अस्सलाम वालेकुम। ये क्यों खुला रूम? नहीं, लाइव स्ट्रीम की जरूरत क्या है? चार तो बच्चे बैठे हैं वहां। आ जाओ बेटे, वहां आपने क्या पार्टियां करनी? बैठ के इधर आओ। पता नहीं मैंने दुकान खोली कि नहीं खोली। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। जो वहां बैठ के स्क्रीन नजर आ रही है ना, वो यहां भी आ जाएगी। यहां बैठो आके। अरे स्क्रीन ही देखनी है ना, तू उधर बैठ जाओ आराम से। स्क्रीन है, आ जाओ यार, इधर आ जाओ। हाँ जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बिजनेस को इन्वेंट्री रखनी क्यों होती है अपने पास? ना रखे है? हाँ, तो जब कस्टमर आएगा कि भाई चार खमीरी चाहिए, तो कहेगा छोटे जा जाके आटा लेके आ। वो आटा खरीद के ले आए, फिर गूंद ले, फिर बना के दे दे। है, टाइम नहीं है कस्टमर के पास इतना। इसी तरह से अगर रेडीमेड कपड़े खरीदने गए हैं, और बात सिर्फ टाइम की भी नहीं है, बात यह है कि अगर आप कभी इस चीज का अगर इत्तेफाक हुआ हो कि किसी शॉप पे आप कोई कपड़े खरीदने जाएं, तो वहां पर वैरायटी ज्यादा होगी तो आप वहां पर खरीदने जाएंगे। तो अब अच्छा, बेशक सोच के भी गए हैं कि कौन सा कलर खरीदना है, फिर भी जब तक चार पांच कलर निकलवाएंगे नहीं, आपको लगेगा सेल्समैन है तो अपनी नौकरी सैलरी तो हलाल करें ना, उसको तंग करें, उसे निकलवाएं, तो तब तक जो है ना वो कस्टमर चीज नहीं खरीदता। तो बिजनेस को इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखनी हो, जैसे अगर ये जो सिगरेट, बुरी बात है ना पिया करें वैसे, लेकिन मिसाल के तौर पे आप नहीं पीते सिगरेट, लेकिन चलो अब्बू के लिए लेने गए होंगे कभी, तो चलो मिसाल के तौर पे पिला लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं पिला लिया उनको। तो अब जिस दुकान से खरीदने जा रहे हैं, तो वो शायद कुछ छोटी सी जगह को खोखा सा बनाओ जहां वो सिगरेट बेच रहा है, तो एक पूरा प्लाजा किराए पे ले ले। वो अगले सिगरेट ने कौन सा खराब हो जाना है, वो 10 साल के सिगरेट खरीद के पैकेट वहां रख ले है? तो क्या हर्जा है? अगर इतने ज्यादा रखने की जगह चाहिए, उसका किराया पड़ता रहेगा, बिला वजह किराया पड़ता रहेगा। तो सब्जी वाला जो रोजाना सुबह जाता है सब्जी मंडी, तो वो महीने में एक दफा जाए सब्जी खरीद के ले आए, वो खराब हो जाएगी। तो इन्वेंट्री मेंटेन तो करनी है, कितनी करनी है ये डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर पे। और इस पूरी मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव है दो स्ट्रीम्स, कि इतनी थोड़ी भी ना हो कि कस्टमर आए तो उसे माजत करनी पड़े, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि खराब हो जाए या होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़े। तो बिजनेस को ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पता नहीं मैं क्या बता रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके 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 ओके। इन्वेंट्री रखनी तो है, लेकिन कितनी रखनी है इसके लिए डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर पे। ऑब्जेक्टिव दो एक्सट्रीम्स हैं, कितनी थोड़ी भी ना हो कि कस्टमर गालियां देकर चला जाए, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि बहुत ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट पड़े। अब इस सब में बहुत सारे लेने होते हैं डिसीजंस, जिनमें से आपके इस चैप्टर में मैंने कहा था कि दो तरह के डिसीजंस हैं। एक डिसीजंस हैं ओक्यू से रिलेटेड, ओक्यू ऑर्डर क्वांटिटी, और एक इन्वेंट्री लेवल। ये दो हेडिंग्स देके फिर मैंने ओक्यू वाले डिसीजन शुरू किए थे, और ओक्यू के बारे में बैकग्राउंड कहानी ये बताई थी जो बार बार भूलते जा रहे थे लोग, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम साल के शुरू में खड़े हैं और टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। और टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमने टोटल कितने यूनिट्स खरीदने। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल खरीदना है, और ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स खरीदने हैं। ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर चुके, डिसाइड कर चुके। अब ये डिसाइड करना है कि एक वक्त में कितने यूनिट्स खरीदने हैं, और एक बार जब डिसाइड कर लिया तो फिर पूरा साल उसको एज अ पॉलिसी ही फॉलो किया जाएगा। ये है जी कल जो पढ़ा था उसकी कहानी। इस डिसीजन के लिए खर्चे कंसिडर करने होंगे। उन खर्चों को तीन क्लासेज में बांटा था, चार थी वैसे, लेकिन चौथी मैंने समझाई नहीं थी। तीन क्लासेस में बांटा था, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में शामिल है सिर्फ जो परचेज करने की कॉस्ट है, उसकी सिर्फ परचेज वैल्यू, दैट्स इट।
उसके अलावा एक बार स्टोर तक चीजें पहुंच गई तो स्टोरेज के सारे खर्चे होल्डिंग कॉस्ट थे, और सप्लायर से सारी निगोशिएशन, कॉन्टैक्ट, ट्रांजेक्शन करना और उनको लेके स्टोर तक आना, ये सारे खर्चे ऑर्डर कॉस्ट हैं। और फिर आगे मैंने इनके फार्मूले बनाए थे और उन फार्मूलों के लिए एक टेक्निकल बात ये समझाई थी कि वन ऑर्डर मींस मतलब एक ऑर्डर कब पूरा होगा, ऑर्डर प्लेस करने से लेके स्टोर में पहुंचने तक ये एक ऑर्डर हो गया। और इन तीनों के फार्मूले बनाए थे और उन तीनों में कॉमन बात ये थी कि हम लोग टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर रहे थे। सवाल लिखे, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 90,000 यूनिट्स, परचेज कॉस्ट पर यूनिट, परचेज कॉस्ट पर यूनिट 150 रुपए, ₹150, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 25 रुपए। अच्छा, अगर मैंने कही होती होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते। ऑर्डर कॉस्ट, मैंने होल्डिंग कॉस्ट बताई है पता नहीं कितनी, 25 रुपए, 25। और ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट है 4500, 4500 रुपए पर ऑर्डर, 4500 रुपए पर ऑर्डर। सेफ्टी स्टॉक ऑफ, सेफ्टी स्टॉक ऑफ 600 यूनिट इज मेंटेन्ड, 600 यूनिट इज मेंटेन्ड। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। इफ एन ओ क्यू ऑफ, एन ओ क्यू ऑफ 18,000 यूनिट इज फॉलोड, 18,000 यूनिट इज फॉलोड, यानी अगर ओ क्यू 18,000 यूनिट हो तो ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर दें। नूर एक मिनट पॉज करना। हाँ जी, टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल डिमांड कितनी है 90,000 और एक है 150 का, 1350 ये। अच्छा, ये इसको से मल्टीप्लाई क्यों किया जी? अच्छा नहीं 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 मैं दूसरा पहुंच ले लेता हूँ। अच्छा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करने की क्या साइंस है, मतलब क्या किया है भाई? एक यूनिट इतने का मिलता है तो पूरे साल में टोटल जितने खरीदेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना। और एक मैंने पूछा है टोटल ऑर्डर कॉस्ट 4500, एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी प्लेस करने से मुराद है प्लेस करना और फिर लेके आना, पूरा जो साइकिल चलेगा तो वो 4500 रुपए लगता है, मल्टीप्लाई बाय 4500 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालें कि पूरे साल में 18,000। अच्छा, ये भी कोई बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है कि टोटल इतने यूनिट्स खरीदने हैं और एक वक्त में इतने, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 22,500 और टोटल होल्डिंग कॉस्ट के अगर एक यूनिट पूरे साल तक स्टोर में पड़ा रहे तो 25 रुपए खर्चा। इसको एवरेज इन्वेंट्री से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट यही है कि इतने यूनिट्स पूरा साल पड़े रहे, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओ क्यू
बाय टू प्लस 600, 240,000। बताएं जी, इस कैलकुलेशन में कोई इख्तलाफ, एतराज, तकलीफ, परेशानी? ठीक है। अच्छा, ये मैंने हेडिंग दे ली हुई थी कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं, हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ओक्यू के मुताबिक। जब भी किसी बारे में डिसीजन करना होता है ना, जैसे मैं कल मिसाल दे रहा था कि कितने पेपर ऑटम 24 अटेम्प्ट में रखने हैं, या इवन कि अगर ये भी डिसाइड करना है कि आज खाना क्या खाना है, तो है जो मैं खिला दूंगा। अच्छा, ज्यादा फिक्र ना करें। ओ या फिक्र, अच्छा अगर ये फैसला करना है कि कितने बंदे मारने हैं, तो जब भी कोई डिसीजन करना होता है तो ये रूटीन मैटर है कि मोस्टली ऑप्शंस को कंपेयर किया जा रहा होता है। यानी अगर आपने ये फैसला करना है कि ऑटम 24 अटेम्प्ट में कितने पेपर पढ़ने हैं, तो आप यकीनन ये सोच रहे होंगे अच्छा दो पढ़ने हैं कि तीन पढ़ने हैं, यानी कुछ ऑप्शंस को कंपेयर किया जा रहा है। या अगर ये फैसला करना है कि खाना क्या है, तो कुछ ऑप्शंस हैं जिनको कंपेयर किया जा रहा है। तो जब हमने ओक्यू डिसाइड करना है ना, तो जनरली हम कुछ ऑप्शंस में से ही कंपेयर कर रहे होते हैं। सिलेक्शन, या सिलेक्शन नहीं, मैं कहता इसको कह देता हूं डिसीजन रिगार्डिंग ओक्यू आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। यानी हम लोग ये डिसाइड करने लगे हैं कि 18,000 ओक्यू बेहतर है कि 10,000 ओक्यू बेहतर है, 4500 ओक्यू बेहतर है कि 12,000 ओक्यू बेहतर है। तो हम लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस के मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रखते हुए फिर ओक्यू डिसाइड कर रहे होते हैं। और इसमें डिसीजन रूल क्या होगा, यानी हम कैसे फैसला करें कि कौन सी ऑप्शन बेहतर है, जिसपे कॉस्ट सबसे कम पड़ेगी? कौन सी कॉस्ट? ये तीनों कॉस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट ये सब है, तो वो ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें इन सब का ग्रैंड टोटल सबसे लोएस्ट होगा। तो डिसीजन रूल ये है, बल्कि अगर मैं इसके स्टेप्स बना दूं तो कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट, ये मैं एक वर्ड लिख रहा हूं जो अभी सिखाता हूं, और इसी की प्रैक्टिस ही है, और ये प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। और जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं फिर भी ना कुछ टिप्स बता दूंगा, वो परफेक्ट नहीं होंगी, वो टिप्स होंगी, मेन कॉन्सेप्ट ही होगा। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, अच्छा भाई, फॉर ईच ओक्यू ऑप्शन यानी मैनेजमेंट के सामने जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, और स्टूडेंट को बताई होंगी वो पॉसिबिलिटीज। तरीका यह है डिसाइड करने का कि एक तो हर ओक्यू ऑप्शन पे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करें, रेलेवेंट समझाता हूं क्या होती है, और जब कैलकुलेशन हो जाए तो सिलेक्ट द ऑप्शन विद लोएस्ट टोटल कॉस्ट। ये मैंने ये बात लिखी है कि ये जो ऊपर मैंने कहा ना कैलकुलेट करनी है कॉस्ट, जनरली ओक्यू पॉलिसी जो भी डिसाइड होनी होगी वो पूरे साल के लिए होनी होगी, इसलिए ये कॉस्ट कितने से की कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर, ये मैंने यहां लिखी है बात। जी जी हाँ, क्वालिटी कंप्रोमाइज क्यों भाई? हम इस वक्त ये थोड़ी फैसला करने लगेंगे कि किस सप्लायर से कौन सा वाला मटेरियल खरीदना है, ये तो नहीं होने लगा इस वक्त डिस्कस। अच्छा ये बाकी भी सुने, हम इस वक्त ये डिसाइड करने लगे हैं कि किस सप्लायर से कौन सी वाली चीज खरीदनी है, ये तो हो चुका हुआ है डिसाइड। ओक्यू का डिसीजन ये है कि जो हम सप्लायर से ऑलरेडी प्रोडक्ट खरीदना डिसाइड कर चुके हैं, टोटल साल में कितने यूनिट खरीदने हैं ये भी तय हो चुका है,
एक वक्त में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, ये पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो क्वालिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज होगी? नहीं, आपको ये लग रहा है कि हम सबसे सस्ता वाला लेंगे है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट हमने खरीदना है, अगर ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है तो प्रोडक्ट खरीदना है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है तो रॉ मटेरियल खरीदना है। वो सिलेक्ट कर चुके हुए हैं प्रोडक्शन वाले, यानी परचेज डिपार्टमेंट वाले उसकी क्वालिटी सिलेक्ट कर चुके हुए हैं। हम इस वक्त न्यूमेरिकली बस ये डिसाइड करने लगे हैं कि एक वक्त में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है। तो इसलिए यहां पर ये नहीं कंपैरिजन होने लगा कि सस्ता वाला या अच्छा वाला, ये नहीं कंपैरिजन हो रहा है। ये साइंस समझ आई? अच्छा क्या? हाँ कौन सी कॉस्ट? ये सब डिफरेंट कैसे आएंगे? अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी देखो अभी तो करना है, हैं? अरे तो उसमें सिर्फ क्या परचेज प्राइस लिखी हुई है मैंने? इतनी सारी चीजें और भी तो लिखी हुई है। मैंने ये तो नहीं कहा कि कैलकुलेट टोटल परचेज कॉस्ट, सिर्फ परचेज कॉस्ट तो नहीं निकालनी। और चलो परचेज कॉस्ट भी अगर निकालनी हो तो अगर एक वक्त में ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या? तो परचेज कॉस्ट भी चेंज हो सकती है। तो हमने हर अवेलेबल, आपको तो गिवन होंगी, हर ऑप्शन में हर एक के लिए टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट बताता हूं क्या होती है, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द ईयर निकालनी है, और फिर वो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जिसमें इन कॉस्ट का, किन कॉस्ट का, इनका, इन तीनों का जो ग्रैंड टोटल है वो लोएस्ट होगा। ये जो अभी आपने सवाल सॉल्व किया है, अभी किया है ना, चलें सेम सवाल है, एक और सवाल करते हैं। सवाल लिखे है, सेम सवाल है, रिक्वायर्ड चेंज कर रहा हूं, सेम सवाल है, यानी पिछले सवाल वाला सेम डाटा है, रिक्वायरमेंट मैं अब नहीं बता रहा हूं आपको। मैंने भी ना आपको सिर्फ इनकी कैलकुलेशन और फिर इनको कैलकुलेट करने के बाद कंपैरिजन वाली बात की है, और ये जो अभी सवाल करा रहा हूं ये सिर्फ ये कैलकुलेशन और कंपैरिजन सिखा रहा हूं, इसके बाद बताता हूं कि रेलेवेंट क्या है। तो क्वेश्चन वही है, रिक्वायरमेंट बदल रहा हूं सिर्फ। रिक्वायर्ड है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच, डेटा वही है सारा, पिछले सवाल वाला डेटा सारा वही है, दोबारा लिखना है तो दोबारा लिख लें बेशक, रिक्वायर्ड बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ओक्यू इज बेटर, इज बेटर। अभी रिक्वायरमेंट चल रही है ना, बुरी बुरी शक्लें बना रहे, रिक्वायरमेंट चल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओक्यू इज बेटर। अब फॉलोइंग में एक है, मतलब नंबर वन है 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, और दूसरी ऑप्शन है 15000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स और 15000 यूनिट्स। कैसे करेंगे सवाल सॉल्व? एक बार 5000 को ओक्यू रख के ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी 18 पे किया ना 5000 पे करेंगे, फिर एक बार 15000 रख के फिर सबको कैलकुलेट करेंगे, और कौन सा ओक्यू बेहतर होगा जिसमें इन तीनों का ग्रैंड टोटल लो होगा। करिए
हाँ जी, आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसको आप प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि ओ क्यू एक है 5,000 और एक है 15,000, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल परचेज कॉस्ट। और इसमें ना पेपर मार्कर को हम ये बता देते हैं कि हम लोग 150 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 90,000 से, और ये तो दोनों के अंदर 135,000, और टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकलेगी 4,500 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय ओ क्यू। तो हम पेपर मार्कर को बता रहे हैं कि हम ना ये करने लगे, एक बार 5,000 रखेंगे तो आंसर यहां लिखेंगे, फिर एक बार 15,000 रखेंगे तो आंसर यहां लिखेंगे, 81,000, 27,000, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट। इसमें हम उसको बताने लगे हैं कि हम 25 रुपए को मल्टीप्लाई करने लगे हैं ओ क्यू बाई 2 + 600। जी 7,750,20,25,000। तो उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि 5,000 बेहतर है क्योंकि टोटल कॉस्ट उसमें कम है। और लिखा सवाल जी, जो लोग जाग रहे हैं यहां तक कि कैलकुलेशंस में कोई परेशानी, मैंने अभी आपको ना रेलेवेंट कॉस्ट नहीं समझाया, अभी मैं आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन का पैटर्न और ये डिसीजन का तरीका बस ये बता रहा हूं, अभी मैं रेलेवेंट कॉस्ट पे नहीं गया, पहले ये कैलकुलेशन पक्की कर लें फिर रेलेवेंट की गहराई में जाऊंगा। एनुअल डिमांड एनुअल डिमांड है 1,00,000 यूनिट्स, 100,000 एनुअल डिमांड है, 100,000 यूनिट्स। सप्लायर हैज ऑफर्ड, एनुअल डिमांड बता दी ना, सप्लायर हैज ऑफर्ड फॉलोइंग प्राइसेस, वो कह रहा जी कि अगर तो आपने एक वक्त में 5,000 यूनिट्स तक ऑर्डर दिया तो फिर तो हम आपको एक यूनिट 80 रुपए का बेचेंगे, लेकिन अगर आपने 5,000 यूनिट्स बट अप टू 20,000 यूनिट्स तो हम आपको एक यूनिट बेचेंगे 75 रुपए का, और अगर आपने ओ क्यू रखा 20,000 से ऊपर तो हम आपको एक यूनिट 68 का बेचेंगे। ये सप्लायर ने हमें 3 प्राइसेस ऑफर की हैं। यहां तक नोटेड के कर रहे हैं अभी। ऑर्डर कॉस्ट 3,500 रुपए, ₹3,500 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹5 पर मंथ, 5 रुपए पर मंथ।
रिक्वायर्ड है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओ क्यू इज बेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ओ क्यू इज बेटर, पार्ट ए. अब ये ऑप्शंस बता रहा हूं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग में, नंबर ए 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, बी 10,000 यूनिट्स और सी 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स. चलें करें सॉल्व. ये एक मुनासिब फॉर्मेट है, मतलब अगर आप इसी तरह से कर लेना तो एक रीजनेबल फॉर्मेट है ये सवाल सॉल्व करने का. तीन ऑप्शन आ जाएंगे, अब करिए. कर लिया. जी जनाब, चले देखते हैं. अच्छा, इसमें भी ना मैं आपको पता नहीं पिछले किस किस चैप्टर में लिखवाए, लेकिन बहरहाल मैं इसमें आपको काफी सारे एग्जाम नोट्स मौके के हिसाब से लिखवाया करूंगा, तो उनको कहीं अलग लिखने की जरूरत नहीं है. बस जब जब लिखाता रहूं तो उसी दौरान उन्हीं तरह से फ्लो में लिखते जाए, लिखवाऊंगा काफी सारे. तो एक ऑप्शन है 4, एक है 10 और एक है 25. अब चूंकि प्राइस चेंज है तो हम मार्कर को ये कह देते हैं कि प्राइस जो भी तुमने दी हुई है वही रिस्पेक्टिव प्राइस हम 1,00,000 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं. तो जब 4,000 रखना है नूर,
जब 4,000 रखना है तो ये प्राइस है, 10,000 ये है, 25 पे ये है, तो ये क्या बना 8 मिलियन, 7। और ऑर्डर कॉस्ट एक की है 30,500 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए 1,00,000 डिवाइडेड बाय OQ, 4,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 87,500, 10 से करेंगे तो 35,000 और 25 से करेंगे तो 14,000। और होल्डिंग कॉस्ट है 60 रुपए, 5 रुपए पर मंथ है, तो 60 × OQ/2 120,000, 3,07,50, 8207 7 8 5 7 8 3 5 7 5 6 4 0 0। तो कंक्लूजन क्या हुआ 25,000। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि OQ 25,000 बेटर है। यहां तक बताएं बेटे कैलकुलेशन में कौन क्या गड़बड़े कर रहा है और अभी तक नहीं मसला सेटल हो रहा, यहां तक ठीक है? जी यहां तक ओके। अगर यह फैसला करना है और मैं चूंकि जीटी में खड़ा हूं तो जीटी की मिसाल दे रहा हूं कि यहां पर आप हॉस्टल में रह रहे हैं जीटी में, और यह फैसला करना है कि इस सेशन में जो 3 पेपर पढ़ने हैं वो कौन कौन से पेपर हैं जो पढ़ने हैं, और फैसला भी करना है रुपए की बेस पे यानी खर्चे की बेस पे, जब यह फैसला कर रहे होंगे तो उस पेपर की जो कॉलेज की फीस है वो कंसिडर करेंगे? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रिपोर्टिंग की फीस और हो, सी लॉ की फीस और हो, और ये कंसिडर करेंगे कि चिंगजी का किराया कितना या नहीं। अच्छा चलें, हो सकता है एक पेपर यहाँ, एक पेपर वहाँ, एक पेपर वहाँ, तो करेंगे कंसिडर। हॉस्टल का किराया, हॉस्टल का किराया कंसिडर करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो मर्जी पेपर पढ़े महीने का हॉस्टल का किराया तो उतना ही पे करना है। तो इससे मैं आपको ये बता रहा हूं बात कि जब हमने कुछ ऑप्शंस को कंपेयर करना है तो हमने सिर्फ वो कॉस्ट्स कंसीडर करनी है जो रेलेवेंट है, और रेलेवेंट पहचानने का जो आपको मैं तरीका बता रहा हूं उर्दू में ही बोल रहा हूं, उसको फिर पश्तो, सराइकी, इंग्लिश जैसे मर्जी ट्रांसलेट कर लेना। वो खर्चा जो टोटल फॉर द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है बात, टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे सेम ही होना है वो रेलेवेंट नहीं है। वो खर्चा जो टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे सेम ही रहेगा, टोटल फॉर द ईयर कह रहा हूं, पर ऑर्डर या पर यूनिट नहीं कह रहा, वो खर्चा जो टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे सेम ही निकलेगा वो रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट। वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर, ये इंपॉर्टेंट बात है, टोटल फॉर द ईयर, टोटल फॉर द ईयर वाली बात जो है ना आप भुला देंगे कुछ दिनों में, वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे सेम रहेगा, जैसे अभी मैंने इस वक्त होल्डिंग कॉस्ट हर ऑप्शन पे कैलकुलेट की है तो डिफरेंट आ रही है ना, तो ये रेलेवेंट है। टोटल ऑर्डर कॉस्ट हर एक पे डिफरेंट आ रही है, रेलेवेंट है, डिफरेंट आ रही है, रेलेवेंट है। तो वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे सेम रहेगा वो रेलेवेंट नहीं है। जी जी मैं बताता हूं अगली बात, रेलेवेंट वाली बात दोबारा सुन लें, दोबारा बता रहा हूं, बल्कि वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे सेम ही रहना है, टोटल फॉर द ईयर कह रहा हूं। अब आप कहेंगे 3500 इधर भी हो तो भी 3500, इधर भी हो तो भी 3500, इधर भी हो तो भी 3500 है, वो तो पर ऑर्डर है ना, टोटल फॉर द ईयर। तो हर वो खर्चा जिसका टोटल फॉर द ईयर हर ऑप्शन पे सेम ही रहेगा वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है, टाइम का जया है वो, उसको अगर लिख भी लेंगे तो टाइम जया होगा लिखने का। इतनी लिख ली बात। इस चैप्टर में आपको काफी सारे मैंने एग्जाम नोट्स लिखवाने, तो एक एग्जाम नोट ये लिखें, जैसे जैसे कराता जाऊंगा ना बस वैसे वैसे लिखना, जरूरी नहीं कि आप उनको किसी एक पेज पे जमा करें। एक एग्जाम नोट ये बता रहा हूं कि अगर परचेज प्राइस पर यूनिट हर OQ पे सेम ही रहनी है, परचेज प्राइस पर यूनिट हर OQ पे सेम ही रहनी है,
तो फिर वो रेलिवेंट नहीं है, उसको फिर हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे। इसलिए पिछले सवाल में मैं आपको अभी रेलिवेंट नहीं बताई थी ना, इसलिए मैंने परचेज कॉस्ट की लाइन लिख दी थी, वरना पिछले सवाल को सॉल्व करते तो हम ये लाइन ना लिखते, बस ये लिख देते काफी था। अच्छा ये तो हो गई रेलिवेंट की पहचान, अब इसको और गहराई में चलते हैं। मैंने तो आपको होल्डिंग कॉस्ट बस बता दी ₹60, या ऑर्डर कॉस्ट 3500 बता दी, हो सकता है तीन चार तरह की हो, उनको ऐड करके बनाना हो। जैसे कल लिस्ट लिखवाई थी, कल होल्डिंग कॉस्ट की लिस्ट थी, तो उसमें जितनी भी आइटम्स थी वो जरूरी नहीं कि सब रेलिवेंट होंगी, या ऑर्डर कॉस्ट की भी जितनी लिस्ट थी जरूरी नहीं कि वो सारी रेलिवेंट होंगी। तो अब इस प्रैक्टिस पे आते हैं कि रेलिवेंट कैसे पहचानेंगे, और वो आपको प्रैक्टिस से ही पहचान होगी। तो सवाल लिखें, सवाल लिखिए, एनुअल डिमांड एनुअल डिमांड 120,000 यूनिट्स, एनुअल डिमांड 120,000 यूनिट्स। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट यानी ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट 2000 पर ऑर्डर, ₹2000 पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹1500 पर ऑर्डर, ₹1500 पर ऑर्डर। ट्रांजिट इंश्योरेंस ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। एनुअल सैलरीज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, ₹480,000, ₹480,000। स्टोर रेंट ₹25,000 पर मंथ, ₹25,000 पर मंथ। वेयर हाउसिंग कॉस्ट ₹10 पर यूनिट पर मंथ, वेयर हाउसिंग कॉस्ट ₹10 पर यूनिट पर मंथ। इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने परचेज प्राइस पर यूनिट बताई, बस ठीक है, खैर इंटरेस्ट कॉस्ट ₹12, ₹12 पर यूनिट पर ईयर, ₹12 पर यूनिट पर ईयर। और मुझसे रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ओक्यू इज बेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ओक्यू इज बेटर। नंबर 1, एनुअल डिमांड क्या बताई मैंने, 120,000, 12,000 यूनिट्स, ये नंबर 1 ऑप्शन है। और नंबर 2,
30,000 यूनिट्स इन दोनों में से कौन सी बेहतर है, ये रिक्वायर्ड है, मुझसे रिक्वायर्ड है। OQ एक है 12,000 और एक है 30,000। परचेज कॉस्ट तो मैंने बताई ही नहीं, पर यूनिट सेम ही होगी इसलिए इररिलेवेंट होगी। टोटल ऑर्डर कॉस्ट, अच्छा जितने एग्जाम नोट्स लिखाऊंगा ना अकल उन पे प्रेफर की जाएगी, यानी अकल को प्रेफर करना है। ये आगे चल के जब कुछ सवालों में आएंगे ना तब मैं अपने कीमती जुमले की वजाहत करूंगा। टोटल ऑर्डर कॉस्ट का फार्मूला होता है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू 120,000 ओवर OQ। अब ये फिगर हम वर्किंग में निकाल देते हैं और टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, वो निकाल देते हैं वर्किंग में, इंटू एवरेज इन्वेंट्री। ऑर्डर कॉस्ट, इस सवाल में से कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो ऑर्डर कॉस्ट हैं? शुरू मैंने वैसे तरतीब से ही बताई नहीं है। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर है, तो क्या लगता है रेलेवेंट होगी? पक्की बात? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम ज्यादा होंगे तो टोटल फॉर द ईयर चेंज हो जाएगी, तो बिल्कुल रेलेवेंट है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट एक रेलेवेंट कॉस्ट है, कितनी? 2,000। ट्रांसपोर्टेशन 1,500 रुपए पर ऑर्डर, ये क्यों रेलेवेंट है? देखें OQ बदलेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे ना, तो उतनी ज्यादा दफा फेरे लगाने पड़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन भी रेलेवेंट है। अगर इस पहले सवाल से आपको पक्का पक्का क्लियर नहीं भी हो रहा ना रेलेवेंट, तो कोशिश करते रहिए, बेहतरी हो जाएगी सवालों के साथ। कितनी? 1,500। हाँ अगर कख भी समझ नहीं आ रहा तो जरूर पूछें, लेकिन अगर कख आ रहा है तो लक हो जाएगा वो। ट्रैवल इंश्योरेंस, वो रेलेवेंट है? यूनिट कम ज्यादा? पूरे साल में टोटल कितने यूनिट रास्ते से लाने हैं? 1,20,000। अब चाहे वो 10,000 करके लाए, चाहे 50,000 करके लाए, लाने तो पूरे साल में 1,20,000 है ना, तो हर एक पे 10 रुपए की इंश्योरेंस पड़नी पड़नी है। देखें इन दोनों की वर्डिंग में और 10 रुपए की वर्डिंग में क्या खास फर्क है? ये पर ऑर्डर थे, वो पर यूनिट था। अब अगर एक यूनिट हम अकेला अकेला करके लाएंगे तो भी एक यूनिट के ऊपर 10 रुपए ट्रांजिट इंश्योरेंस है। टोटल फॉर द ईयर कितनी बनेगी? जितने टोटल यूनिट लेके आने या एक वक्त में जितने लाने? फॉर द ईयर टोटल, जितने टोटल लाने हैं। अगर नहीं यकीन आ रहा तो नहीं 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 अगर एक एक यूनिट करके लाएंगे तो पूरे साल में टोटल कितने लाने? 120,000 इंटू 10। अगर 10,000 करके लाएंगे तो पूरे साल में टोटल कितने लाने? क्योंकि 10 रुपए है कि एक यूनिट गुजरता है रास्ते से, तो 10 रुपए की इंश्योरेंस आती है। ये मैं कैसे साइंस निकाली एक यूनिट गुजरता है, क्योंकि मैंने 10 रुपए क्या बताया है? पर यूनिट, कि एक यूनिट को कैरी करके जा रहे होंगे तो 10 रुपए इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, तो पूरे साल की टोटल इंश्योरेंस तो इतनी ही रहनी है, तो ये रेलेवेंट नहीं है। अगर कच्चा कच्चा कॉन्सेप्ट है पक जाएगा, हल्की आंच पे रखे रहने दें, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस मैं यहां कंसिडर नहीं करूंगा। और कोई ऑर्डर कॉस्ट? बस और कोई नहीं? कोई नहीं? अच्छा परचेज डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरीज नहीं बताई, तो ऑर्डर ही है, रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे साल में टोटल सैलरी उतनी रहनी है, इसलिए ये इररिलेवेंट है। तो ये बन गया 3,500। परचेज डिपार्टमेंट का काम होल्डिंग नहीं है, होल्डिंग किसका काम है? स्टोर्स का। परचेज डिपार्टमेंट का काम परचेज करके देना है। क्या बना आंसर इसका? 35,000, 14,000। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग टू, स्टोर का रेंट इरेलीवेंट है कि रेलेवेंट है? इरेलीवेंट है, क्योंकि टोटल रेंट फॉर द ईयर तो उतना ही रहना है। और क्या है? एक यूनिट स्टोर में संभाल के रखेंगे एक साल तक, नहीं पर मंथ, तो वेयर हाउसिंग एक यूनिट की प्रति है 10 रुपए पर मंथ, साल की 120, तो 120 रुपए एक यूनिट संभाल के रखेंगे तो खर्चा होगा। तो ऑर्डर साइज चेंज करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री चेंज होती रहेगी ना, तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल वेयर हाउसिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। मुझे आपकी शक्लों से अंदाजा है कि इसमें कच्चा कच्चा चल रहा है काम, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा ये बेहतर। 120 और इंटरेस्ट कॉस्ट आंखें बंद करके रेलिवेंट होती ही होती है, इसके लिए भी कल एक एग्जाम नोट आ जाएगा। जी 12 है मेरे ख्याल में। और कुछ है? जी 792000 198000।
8270199 4। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि 12,000 बेहतर है। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।